Hello everyone and welcome to Defense Studies. So today again we'll be discussing another important chapter of your economic survey. आज का chapter है agriculture and food management from food security to nutritional security. ये आपका chapter number 8 है. इससे पहले हम दो chapter आपके economic survey के discuss कर चुके हैं जो कि आपके CAPF paper 2 के लिए बहुत important है. आपको तरह तरह की मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे फेमस इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनकी मैगजीन पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है. बट इकोनॉमिक सर्वे के ये तीन चैप्टर एटलीस्ट नेगलेक्ट मत करना. एक तो एग्रीकल्चर वाला, एक क्लाइमेट चेंज वाला, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट. ये तीन चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8, हाईली इंपॉर्टेंट है आपके CAPF के लिए. यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर 2 में फ्रेम किए जाते हैं. आप इसमें से डेटा उठा के वहां पे यूज कर सकते हो. अगर आप गवर्नमेंट डेटा पे ही, गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे ही अगर आप बिलीव नहीं कर रहे, उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, तो इट सेंड्स अ नेगेटिव सिग्नल, क्योंकि आपको गवर्नमेंट में जाके ही काम करना है. इसीलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, गवर्नमेंट डेटा को ही आप यूज कीजिए. यही डेटा आपको PIB मिलेगा. जब आप रिपोर्ट लिखते हो वहां पे आप कोट करते हो कि PIB से उठाया है, द हिंदू से उठाया है. अरे व्हाई नॉट राइट इकोनॉमिक सर्वे, हमने इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है डेटा. ठीक है, इट बेसिकली शोज और इट बेसिकली प्रूव कि आपकी रिपोर्ट ज्यादा क्रेडिबल है. ठीक है, रिपोर्ट के एंड में आपको लिखने की आदत है कि सोर्स कहां से लिया गया. हालांकि मैं बोलता नहीं हूं कि आपको लास्ट में सोर्स वगैरह लिखने की जरूरत है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहे तो वहां पे इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट वहां पे लिख सकते हैं. गवर्नमेंट सोर्स है, राइट. अच्छा, तो आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे बहुत ही ज्यादा पुश है इस बार गवर्नमेंट का. नॉट ओनली फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में आप देखोगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर हमने फूड सब्सिडी दी है, बहुत ज्यादा फूड सब्सिडी, 5-6 लाख करोड़ की फूड सब्सिडी हमारी पहुंच गई थी ड्यूरिंग कोविड टाइम. लेकिन इस साल हमने बजट के अंदर वो फूड सब्सिडी कम कर दी है क्योंकि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं. ओके, लेकिन दूसरी तरफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट का जोर है. न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बोले तो ऐसे आप देखोगे कुछ एक मिनरल ऐसे होते हैं और विटामिन ऐसे होते हैं आपके शरीर के अंदर जो कि अगर आप एक ही टाइप के फूड को कंज्यूम करते हो तो आपके अंदर वो डेफिशिएंसी हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो उस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को, उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कम करने के लिए आप क्या करते हो, आपको फूड के अंदर क्या करना पड़ता है, वो चीज वो ऐड करनी पड़ती है या फिर अपनी जो आपकी जो फूड हैबिट है उसको क्या करना पड़ता है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है. ठीक है, और एक दूसरी अप्रोच इसके अंदर ये होती है जिसको गवर्नमेंट बहुत बड़े स्केल पे फॉलो भी कर रही है, वो है बायो फोर्टिफिकेशन. अगर आप न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करेंगे तो बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर या तो वो वीट हुआ या फिर राइस हुआ या फिर आपके मिल्क प्रोडक्ट हुए, उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो, फोर्टिफाइड मिनरल्स. जैसे आप विटामिन ए की डेफिशिएंसी है किसी के अंदर तो मिल्क के अंदर आप क्या ऐड कर देते हो, विटामिन ए. ठीक है, आप मदर डेयरी से दूध जब परचेज करोगे तो उसके अंदर लिखा होता है विटामिन ए एडेड, बायो फोर्टिफाइड. ओके, जब आप राइस परचेज करते हो वहां पे लिखा होता है फोर्टिफाइड राइस. ठीक है, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी ना हो किसी को, उसके लिए उसमें आयरन ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो ये और भी जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं तो उनके एक टाइम पे दे बिकम एनेमिक. ठीक है, तो उन सभी को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी या फिर न्यूट्रिशन आप देखोगे डाइट प्रोवाइड करने के लिए ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाती है बायो फोर्टिफिकेशन. ओके, तो लेट्स सी CAPF एग्जाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर, देन रेटोरिकल प्रोमिस, 2019 में पूछा है. इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका 2020 के अंदर, क्वेश्चन था आपका फार्म दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, फार्मर्स प्रोटेस्ट इज और आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये आपका क्वेश्चन आ रखा है. ये आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट में था. ठीक है, लेकिन ये आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था. इसके साथ आप देखोगे फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड. देखो, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग, फार्म वेवर, ये या तो आपके बजट के अंदर होते हैं या फिर आपके इकोनॉमिक सर्वे के, मेनली आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर होंगे, बजट के अंदर नहीं होते. तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये जो देश के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है उनको कवर किया जाता है. सो फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो डॉक्यूमेंट हम कवर करेंगे इसके अंदर भी बात की गई है, लेकिन हमने फार्म वेवर जो है इसको अलग से भी हमने डील किया है. तो ये जो वीडियो के लिंक में मैं आपके सामने डाल दूंगा कि फार्म वेवर पे आप क्या क्या कर सकते हो. ठीक है, क्या डेटा आप ऐड कर सकते हो, तो सेपरेट जो वीडियो हमने इसके ऊपर पहले बनाई है वो भी आप यूज कर सकते हो. नेक्स्ट देखते हैं, फार्मर्स सुसाइड इन इंडिया इज साइन ऑफ इंपेंडिंग डिजास्टर. अगेन तीन टॉपिक आपके सामने आ गए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर सुसाइड, फार्म वेवर, सस्टेनेबल फार्मिंग. नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया. ठीक है, तो चार टॉपिक आपने देख लिया किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड. तो बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहां पे मैं एग्रीकल्चर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूं. अगर मैं क्लीनिंग एंड कनेक्टिंग द रिवर की बात करूं, अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो जाए तो एक एरिया में क्या हो सकता है, वहां पे अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी हो सकती है, और अश्योर्ड इरिगेशन फैसिलिटी होने से वहां पे आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो. ठीक है, तो आपके ऊपर है, आपका एग्रीकल्चर अगर जो कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर अगर आपने होलिस्टिकली कवर किया है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों आपने आपको अच्छे से क्लियर है कि
आप देखोगे क्रॉप उगाने से पहले और उसको हार्वेस्ट करने के बाद, अगर आपको हर एक चीज क्लियर है कि उससे पहले क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, ग्रोइंग सीजन में और आफ्टर हार्वेस्टिंग सीजन में क्या उसके बेसिकली चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट, अगर ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई तो आपको एग्रीकल्चर में और ज्यादा की सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये इंट्रोडक्शन है, गवर्नमेंट ने लिखा है. और ये भी आप देखोगे गवर्नमेंट के अंदर या तो कोई ऑफिसर होगा, ठीक है, आईएएस ऑफिसर भी आप देखो बहुत बार आप योजना मैगजीन जब पढ़ोगे वहां पे सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर जो हैं वो लिखते हैं उनको, ठीक है. तो यहाँ पे भी आप देखिए इतना अच्छा इंट्रोडक्शन है, कंटेम्प्ररी है, जितना कंटेम्प्ररी होगा उतना बेटर होगा. तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर, रिसेंट बात की है इन्होंने, बात नहीं की आजादी के बाद क्या हुआ था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ पे इन्होंने बात नहीं की, यहाँ पे सिर्फ बात की है जो परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर है इन कुछ सालों के अंदर, सेवरल ईयर्स की बात की है. इन्होंने बोला कि बॉयंट है, मतलब इंक्रीज हो रही है उसकी. अब अगर आप एग्रीकल्चर का, वो इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ है डिस्पाइट पेंडेमिक, राइट. सो इसमें आप देखोगे लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी और प्राइस सपोर्ट, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये टर्म छोटी छोटी आपको क्लियर नहीं है तो आप एक बहुत बड़ी ट्रबल में हो. ये सभी चीजें हमने अपनी क्लास के अंदर क्लियर करवा रखी है. एग्रीकल्चर के ऊपर 5 वीडियो ले रखी है हमने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, सब कुछ उसके अंदर क्लियर करा रखा है कि क्या होता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म कितने हैं, डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म हैं आपके, ठीक है. उसके बाद आप देखोगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या होता है, हर एक चीज कवर है. अगर आपको अभी भी ये चीज समझ में आया तो आप सिंपल गूगल पे डाउन आप इनको टाइप कर सकते हो और वहां से आप समझ सकते हो कि इन चीजों के मतलब क्या है. उसके बाद आप देखोगे गवर्नमेंट ने लेटेस्टली क्या इंट्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद देखो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बाद से और भी इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के, जिससे क्या अवेलेबल कराया जा सके क्रेडिट फार्मर्स को. देखिए आपका एक क्वेश्चन आया था, फार्मर सुसाइड इन इंडिया इज एन इंपेंडिंग डिजास्टर. क्यों फार्मर सुसाइड करता है, इसीलिए जब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से या फिर इनफॉर्मल सोर्सेज से वो पैसा लेता है तो उसके ऊपर प्रेशर होता है उसको रीपे करने का. लेकिन एग्रीकल्चर फेलियर होने के बाद जब देखते हैं फार्मर इज बेसिकली अनेबल टू पे दैट लोन, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, फिजिकल अब्यूज होते हैं, तो इन सभी चीजों को देखते हुए क्या करता है, वो सुसाइड कर देता है, ठीक है. अगर उसको फॉर्मल सिस्टम के अंदर या फिर ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंदर उसको क्या क्रेडिट अवेलेबिलिटी करा दे, तो आपको पता है जो गवर्नमेंट है फार्म लोन वेवर भी करती है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है उसको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, हर एक चीज. लेकिन बहुत सारी जगह हमने देखा है विलेजेस के अंदर या फिर ऐसी जगह जहां पे द फार्मर्स आर अनेबल टू बेसिकली टेक बेसिकली द फैसिलिटी ऑफ दिस क्रेडिट फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो भी मैकेनिज्म होंगे उसको बेनिफिट वहां तक उन फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, एक मेजर रीजन है. उसके बाद फैसिलिटेट मैकेनिज्म, बूस्ट हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये आपका इंट्रोडक्शन के अंदर हमने दिखा दिया कि गवर्नमेंट किस तरफ पुश कर रही है और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है किस तरफ मूव कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है, हाई आप देखोगे हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जा रहा है, हॉर्टिकल्चर, मैकेनाइजेशन हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, हम बहुत सारे ट्रैक्टर्स या फिर जो मैकेनाइजेशन की तरफ अगर हम देखें फार्मर्स का भी पुश है, राइट, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से तो मैकेनाइजेशन पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है. ओके, अब हम देखते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात की है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप देखोगे 2013 के अंदर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलता है कि 81.4 करोड़ बेनिफिशरीज हैं इसके, राइट, 81.4 करोड़, काफी देशों की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती और इतने लोगों को इंडिया के अंदर फ्री में या फिर उसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखते हैं इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, इन्होंने लिखा है सॉलिड फॉरवर्ड लिंकेजेस. देखिए फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब यही है, देखिए एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इनपुट में आपको क्या क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, और क्या चाहिए आपको, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए और मशीन्स चाहिए, ठीक है, और आपको और क्या चाहिए इसके लिए, फर्टिलाइजर सीड्स हो गया और सोइल हेल्थ कार्ड आपको चाहिए, मतलब बेसिकली सोइल टेस्ट करने के लिए आपको, और भी इसमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो फॉरवर्ड लिंकेजेस के अंदर आती है, ठीक है. तो सॉलिड फॉरवर्ड लिंकेजेस होगी तो इससे क्या होगा, आपकी एक तो बम्पर ग्रोथ हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकती है. सो कंट्रीज ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, तो फॉरवर्ड लिंकेज अच्छी है तो आपको एग्रीकल्चर करने में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो सकेगी. अब ये देखते हैं 4.6% से हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं इन द लास्ट 6 ईयर्स, ठीक है, एवरेज एनुअल ग्रोथ है ये 6 सालों की. अब हम देखते हैं इंडिया बिकम द नेक्स्ट नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बहुत पॉजिटिव बात है, नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जितना हम इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर गुड्स उससे कहीं ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो नेट अगर हम देखें तो वी आर द एक्सपोर्टर. ओके, तो
US डॉलर 50.2 बिलियन का हमने क्या किया है अभी तक, एक्सपोर्ट किया है 2021-22 के अंदर। ये हमारी इकोनॉमी सर्वे के अंदर रिपोर्ट है। तो इसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट ने और भी मेजर्स लिए हैं जिससे हमारा प्रमोट, ये हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। क्या क्या FPO बनाए हैं हमने, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे किसान एक साथ इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं अपना एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वो पूल कर सकते हैं हर एक, उनके पास अगर क्रेडिट फैसिलिटी है, अगर उनके पास आप देखोगे रिसोर्सेज को, लैंड पूलिंग, तो FPOs के अंदर ये सभी चीजें होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट के और भी मेजर्स हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जब आप देखोगे जिस एरिया के अंदर राइस बहुत ज्यादा कल्टीवेट हो रहा है और वहां पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको क्रॉप डाइवर्सिफाई करने के लिए सब्सिडी देती है कि जो भी फार्मर राइस ना उगा के वहां पे दूसरी क्रॉप उगाएगा, सपोज कोई भी वाटर गजलिंग क्रॉप नहीं है, जैसे हम बात करें मिलेट, ठीक है, जो कि आप मिलेट देखोगे या फिर आप बात करोगे कॉटन या फिर आप पल्सेस की बात करोगे, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने बोला जितना हेक्टेयर एरिया आप राइस का कम करके इन वाटर एफिशिएंट क्रॉप को कल्टीवेट करना शुरू करेंगे तो हम उसमें क्या देंगे आपको सब्सिडी। तो इससे क्या चीज, इससे क्या हो सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगी, ठीक है, सोइल क्या होगी, सोइल की फर्टिलिटी दोबारा आ सकती है, ये सभी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसके बाद हम देखेंगे पीएम किसान भी आपको पता होगा, जिसमें साल के अंदर ये भी आपका इनकम सपोर्ट मैकेनिज्म है, जिसमें साल में आपको 6,000 रुपये दिए जाते हैं हर 4 महीने के गैप पे, ठीक है, तो वो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे रिकमेंडेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है कुछ एक रिकमेंडेशन जिस कमेटी ने दी है। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें डबलिंग फार्मर्स इनकम, ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि डबलिंग फार्मर्स इनकम कौन सी कमेटी के अंडर आई थी, इसको मतलब इसका चेयरपर्सन कौन रहा था डबलिंग फार्मर्स इनकम का, ओके, तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। दूसरा हम देखते हैं क्रॉप एंड लाइवलीहुड प्रोडक्टिविटी, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्रॉप एंड लाइवलीहुड प्रोडक्टिव हम देखेंगे, डायवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप, ये वही है डायवर्सिफिकेशन की बात है, रिसोर्स एफिशिएंसी की बात है, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी कैसे बढ़ सकती है जब आप मैकेनाइजेशन करेंगे फार्म्स का, ठीक है, जब आप बहुत सारे जब आप लैंड पूलिंग कर लेंगे, ठीक है, छोटे छोटे जो एरियाज हैं जो आपके फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं इकट्ठा उनको पूल करके आप एक ट्रैक्टर खरीद के और वहां पे क्या कर सकते हो एग्रीकल्चर कर सकते हो, तो इससे क्रॉपिंग इंटेंसिटी आपकी बढ़ सकती है, आप एक साल के अंदर काफी क्रॉप कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ एक या दो क्रॉप नहीं आप हर एक टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है, विद द मैकेनाइजेशन दो क्रॉप के बीच का टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। उसके बाद रियल प्राइसेस क्या होने चाहिए, ओके, क्योंकि कई बार जो आपको पता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट जब उस प्रोडक्शन को आप बाजार के अंदर लेके जाते हैं तो आपको रियल प्राइस क्या है फेच नहीं हो पाते, बहुत सारे उसके पीछे रीजन है, कई बार जो आप देखोगे वेयर हाउसेस के अंदर आप स्टोर नहीं कर पाते और जो क्वालिटी जो है उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वो खराब हो जाती है, तो इस हिसाब से उसका बेटर प्राइसेस नहीं अवेलेबल हो पाते, तो बहुत सारे उसके लिए रीजन है। तो अब हम देखते हैं एमएसपी, एमएसपी आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, और इसके बाद हम देखेंगे एमएसपी अब हमने उन क्रॉप्स के ऊपर भी देना शुरू कर दिया। अभी आपके लिए क्वेश्चन है सिविल सर्विस में 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट प्रेजेंटली कितनी क्रॉप्स पे एमएसपी देती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रीलिम्स के अंदर, तो एमएसपी अभी काफी क्रॉप्स के ऊपर है। अब गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है उन क्रॉप्स पे भी एमएसपी देने की जो कि हाई वैल्यू एडेड क्रॉप्स हैं, ओके, हाई वैल्यू एडेड क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड्स पे, राइट, इस तरह से एमएसपी देने की कोशिश है जिससे क्रॉप डाइवर्सिफाई हो सके और क्रॉपिंग पैटर्न भी आपका चेंज हो सके। दूसरा हम देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो सकती है। अब चैलेंजेस देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अभी हम रिसेंटली देखेंगे क्लाइमेट चेंज, आपका एक क्वेश्चन भी पूछा है जैसे सीएपीएफ के अंदर इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट हेडिंग है इसके अंदर क्लाइमेट चेंज और क्रॉपिंग पैटर्न। सर्वे के अंदर वी आर बेसिकली डिस्कसिंग द क्रॉपिंग पैटर्न, क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होगा आपके एग्रीकल्चर के अंदर, और भी क्या फैक्टर्स हैं जो चैलेंजेस हमारे एग्रीकल्चर होल्डिंग, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं तो न्यूक्लियर फैमिलीज बनने के बाद आप देखोगे जो भी आपका लैंड है उसका भी क्या होता है बाइफर्केशन होती है, तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। उसके बाद आप देखोगे सब ऑप्टिमल फार्म मैकेनाइजेशन, मतलब अच्छी तरह से हर एक गरीब जो किसान है या फिर मार्जिनल किसान है सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक आप ट्रैक्टर को परचेज कर सके या फिर मैकेनाइजेशन को टोटली इंप्लीमेंट कर सके। बहुत सारे आप देखोगे कहने को तो हम बोल देते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए, दिस एंड दैट, बट हर एक फार्मर क्या है कैपेबल नहीं है। माइक्रो इरिगेशन की टेक्निक की बात करते हैं लेकिन बहुत कॉस्टली टेक्निक्स हैं, ओके, तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट है अनलेस एंड अंटिल प्राइवेट प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करें, ओके। सो लो प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो चैलेंज इन इंडिया। उसके बाद देखेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एक छोटे से खेत के अंदर 10-15 आदमी काम कर रहे होते हैं। राइजिंग इनपुट कॉस्ट, ये भी एक इशू है, ओके, क्योंकि आप देखोगे अभी फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस कितने ज्यादा बढ़ गए थे ड्यू टू दिस यूक्रेन क्राइसिस, और आपका देखोगे जब हमारे जब आप देखोगे सप्लाई चेन इशू हो गया था हमारा चाइना के साथ तो नहीं बट ड्यू टू कोविड पैंडेमिक, तो बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, फर्टिलाइजर्स हो गया एंड ऑल दिस, तो इससे हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई थी फर्टिलाइजर्स की एटलीस्ट, तो ये सभी चीजें हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर इंडिया इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड, हमारे बफर स्टॉक जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं,
ठीक है, उसके बाद देखेंगे सस्टेन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, अभी तक इसकी कर्व ऊपर ही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एमएसपी। एमएसपी हम देखेंगे एक फॉर्मूला है हमारा C2 फॉर्मूला, तो उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट 50% हमें क्या देना चाहिए, मतलब 150% टोटल है। अगर आपका खर्चा आया है सपोज 50 रुपीज आपका खर्चा आया टोटल इनपुट कॉस्ट, तो उसका 3 टाइम्स आपको देना पड़ेगा, तो 150 रुपये उसका एटलीस्ट एमएसपी होना चाहिए, राइट। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द एमएसपी। एमएसपी के बाद हम बात करते हैं एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट को यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द प्रोडक्टिविटी, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द सोशल प्रॉब्लम्स इन द एग्रीकल्चर। लाइक किस तरह की सोशल प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर के अंदर, प्रॉब्लम्स लाइक किसान के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा आप देखोगे उनका लाइफस्टाइल आप देखोगे, उसके आप देखोगे हेल्थ इश्यूज देखोगे, ठीक है। तीसरा आप देखोगे फार्मर सुसाइड, ठीक है। अगर टाइमली अवेलेबल नहीं है इसका क्रेडिट फैसिलिटी का, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो एश्योर्ड इनकम चाहिए, ये नहीं कि साल में एक ही महीने उनकी कमाई हो, लेकिन उनको मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उनके डेली एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप कैसे काम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे एनहांस्ड एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट। टॉप प्रायोरिटी पे एक गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर, 1998 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर नॉट ओनली द फार्मर्स हु इज बेसिकली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, उसके साथ ही वो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रीनेम कर दिया गया था मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब 7% पे आपको कोई इंटरेस्ट दिया गया, अगर आप टाइमली पे कर रहे हैं तो आपको कितना रिबेट मिल जाएगा, 3% का और, अगर हर महीने आप किस्त पे कर रहे हो, जो भी आपका प्री डिफाइंड जो भी आपकी किस्त होगी, तो अगर आपने टाइमली पे की तो 3% का और भी आपको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन। तो टोटल आपको 4% पे ही वो ब्याज मिल जाएगा। ओके, फार्म मैकेनाइजेशन की अगर बात कर लो, फार्म मैकेनाइजेशन होने से क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। देखो फार्म मैकेनाइजेशन को यू कैन कनेक्ट इट विद सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आर। तो यहां पे आप फार्म मैकेनाइजेशन की बात कर सकते हो कि फार्म मैकेनाइजेशन होने से क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टाइम एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, हम रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की, जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम लेके आएंगे आपका जो प्रोडक्ट है उतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, एक्सपोर्ट आपका और ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा तो आपका फिस्कल डेफिसिट जो है खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब बेसिकली, और मोर कॉम्पिटेटिव आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो इससे आपको 4x या फिर आप देखोगे आपकी इनकम भी अच्छी हो सकती है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल फ्री इंडिया, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमारा पुश है। ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग्स में हम देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिस फूड ग्रेन्स एंड अदर क्रॉप्स, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको बेसिकली हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ना करेंगे तो सोइल हेल्थ कार्ड, मतलब सोइल हेल्थ क्या हो सकती है, इंक्रीज बेटर हो सकती है, एनवायरमेंट पोल्यूशन कम हो सकता है, तो इसको भी आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, हम मूव कर रहे हैं मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। और ऐसे जिसने फुली इंप्लीमेंट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को, सिक्किम वाज द फर्स्ट स्टेट। ओके, और अगर एरिया की बात करें 59.1 लाख हेक्टेयर टोटल एरिया जो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आ चुका है 2021-22 के अंदर, ठीक है। तो सिक्किम फर्स्ट स्टेट है, लेकिन त्रिपुरा और उत्तराखंड भी उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, अभी तक फुल्ली नहीं बने हैं वो स्टेट जहां पे इंप्लीमेंट हो पाया है, बट वो उस तरफ मूव कर रहे हैं इंप्लीमेंट करने के। उसके बाद हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। तो ये भी आपका कौन सा मिशन है, ऑर्गेनिक वैल्यू, ठीक है, ऑर्गेनिक मिशन ही है ये आपका। उसके अंदर देखेंगे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसके साथ आप एफपीओस की बात कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अगर आप परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी 50,000 per hectare अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ये भी आपका इसके अंदर आता है। तो नेचुरल फार्मिंग 8 states के अंदर कोशिश मतलब पुश है, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, केरला, हिमाचल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, पीएम किसान, मैं आई विल नॉट रिपीट इट, आपको पता है 6,000 रुपये आपको मिलते हैं सालाना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर, और 11 करोड़ लगभग किसान जो है इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, अगर आपको एश्योर्ड इनकम, अगर आपको इनकम सपोर्ट मिलता है तो हम क्या इससे परचेज कर सकते हो, इससे आप इनपुट परचेज कर सकते हो एग्रीकल्चर इनपुट, मतलब आप अगर आपको सीड परचेज करने हैं क्वालिटी सीड्स, अगर आपको फर्टिलाइजर्स परचेज कर रहे हैं एक टाइम पे, तो आप इन 6,000 रुपये से परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने टाइमली परचेज कर लिया तो आपकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो आप उसको बाजार के अंदर बेच सकते हो, तो उससे बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा, तो इट्स अ बेसिकली अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है। उसके साथ कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या फिर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इस छोटे छोटे इंस्टीट्यूट आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं कहाँ पे आप मेंशन कर दो इनको, अगर रिसर्च पे बात आ जाए ये आप स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हो, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर आपके नेशनल लेवल का ICAR की बात कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात, क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मतलब
आपकी फसल है उसको उसको कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है, अगर वो फ्रेजाइल है, ठीक है, या फिर वो पेरिशेबल है, जो आपकी वो आपकी जो क्रॉप है, ठीक है, उसको क्या चाहिएगा, कोल्ड स्टोरेज चेंज हाउसेज चाहिएंगे, या फिर उसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ उसमें आप देखोगे फंगी वगैरह ये सभी चीजें ना लग जाए, तो आपको कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिएगी। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर आप क्या क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्म एसेट्स। एग्रीकल्चर सेक्टर दोबारा से रिवाइज हो जा रहा है, जो आपके क्लासरूम हमारे जो क्लासरूम स्टूडेंट है उनके लिए तो एक एज है, और जो न्यू कमर्स है फ्रेशर है, तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के अंदर क्या है। ओके, अब हम देखते हैं इंश्योरेंस। तो एग्रीकल्चर के अंदर अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो आप कौन सी स्कीम को डालेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ भी आपको लोगों को याद नहीं आता तो आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिख के आ जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सॉल्यूशन ये सिर्फ नहीं है, ठीक है, ये आपका इस तरह का सॉल्यूशन है कि अगर आपको लॉस होता है एग्रीकल्चर के अंदर तो ये इट एक्ट्स लाइक अ सेफ्टी नेट, ठीक है, बस ये आपको मतलब पूरा सुसाइड तक जो आपके फार्म सुसाइड होते हैं उनको कम करने का एक तरीका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। टोटल लॉस हो जाता है कई बार, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर रियल इशू तो कुछ और है, कम प्राइस रियलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर के अंदर, आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कम है, ये मेजर इश्यूज हैं। तो इनको जब तक आप कम नहीं करोगे तो प्रधानमंत्री योजना जो है ज्यादा कुछ चेंज लाने वाला नहीं। आप देखोगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है इन द वर्ल्ड, 5.5 करोड़ एप्लीकेशन इसके लिए आती है। फार्मर्स 1.5% और 2%, 1.5% किसके लिए पे करता है, रबी के लिए, और 2% किसके लिए पे करता है, खरीफ सीजन के लिए, ये प्रीमियम पे करता है, बाकी जो बचा हुआ कौन पे करते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंटर। ओके, उसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप इसके अंदर आप क्या हो गया इंक्लूड हो गया है, एरिया बेस्ड अप्रोच है इसके अंदर, राइट, सो आई विल नॉट बेसिकली एक्सप्लेन ऑल दिस, तो ये आप खुद ब खुद पढ़ लेना, आई विल गिव दिस डॉक्यूमेंट टू यू, राइट। उसके बाद आप देखोगे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, देख रहे हो हॉर्टिकल्चर पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पुश है, क्यों हॉर्टिकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर के अंदर आप हाई वैल्यू क्रॉप जो है उसको कल्टीवेट करते हो, और ग्रोथ एरिया भी आप देखोगे इसके अंदर बॉयंट इनकम आती है, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके क्या क्या आते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप, स्पाइसेस, फ्लावर, प्लांटेशन क्रॉप एक्सेट्रा। ओके, इट बेसिकली इंप्रूव वैरायटी ऑफ क्वालिटी सीड्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी चीजें इसके अंदर, राइट। अब हम देखते हैं नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ईनैम, बहुत बार सुना होगा आपने ईनैम। ईनैम के अंदर क्या होता है, ये स्कीम पहले तो 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी, ये एक ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटेटिव बीडिंग सिस्टम है। अगर एक स्टेट में अगर हम देखें एक फार्मर है और उसकी कोई क्रॉप है सपोज, ठीक है, एक्स क्रॉप है, उसका बेटर प्राइस उसको दूसरी स्टेट के अंदर रियलाइज हो रहा है, तो वो ऑनलाइन बिडिंग कराएगा उसकी, और वो क्या करेगा, ऑनलाइन उसको सेल कर सकता है, ठीक है। सेल कहाँ पे करेगा, एपीएमसी मंडी के अंदर फॉर रिलेटेड हार्डवेयर, वहां पे आपको क्या लिखना रहेगा, वहां पे आपको क्वालिटी चेक करने के लिए बहुत सारे ऑपरेटर, 75 लाख रुपए पर एपीएमसी को हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, जिससे वो हार्डवेयर वहां पे इंस्टॉल कर सके, जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है एंड ऑल दिस। उसके साथ हम देखेंगे क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब है जहां पे जिस एरिया के अंदर जो भी क्रॉप सूटेबल है एग्रोक्लाइमेटिक जोन अगर की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से वहां पे वही क्रॉप होनी चाहिए, ये नहीं कि आप रेगिस्तान के अंदर राइस उगा अप्रोच, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस, राइट। और दूसरी चीज इसमें ये बोला कि सोलर फॉर इरिगेशन, जैसे हम ठीक है पीएम कुसुम की अगर हम बात करें तो इसमें सोलर पावर प्लांट या फिर सोलर पंप्स की बात हुई है, वाटर पंप्स, ठीक है, जहां इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे आप सोलर वाटर पंप्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इससे क्या होगा, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग प्रैक्टिस के अंदर आप दूसरी चीज भी यूज कर सकते हो, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आपको कहाँ से मिलेगी, वेदर क्लाइमेट दोनों की इंटेलिजेंस, ड्रोन्स का आप यूज कर सकते हो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, डिपेंडेंस पे मतलब मानसून की डिपेंडेंस आप कम कर सकते हो, ठीक है, ओके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से, सो दिस ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर योर फार्मिंग। दूसरा आप देखोगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, ये हमने इंडिया ने की है कि इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बना दिया जाए 2023, याद रखना पेपर वन। ओके, अब हम देखते हैं लेट्स सी साइड सेक्टर्स। अगर आपको एक सप्लीमेंट्री इनकम चाहिए, साइड इनकम चाहिए एग्रीकल्चर में, अगर आप सपोज आपके पास इतना बड़ा फार्म लैंड है, 5 एकड़ की जमीन है, आप उसमें एक एकड़ के अंदर क्या कर सकते हो, अलाइड एक्टिविटीज कर सकते हो, वहां पे आप एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, ये सभी काम कर सकते हो, जो कि हाई वैल्यू क्या है, ये आपका हाई वैल्यू बेसिकली सेक्टर्स हैं, अलाइड सेक्टर्स, ठीक है, तो साथ के साथ आप ये सभी चीज कर सकते हो। उसके मिशन आपने देखा होगा गोकुल मिशन एंड ऑल दिस, तो प्रधान मत्स्य संपदा योजना इसके लिए है, एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स हैं, ये सभी चीजें सरकार से समृद्धि एंड ऑल दिस। तो मैं ये कहूंगा आपको इतना ज्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी थोड़ी ये चीजें याद होनी चाहिए,
ठीक है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आपको पता होना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल सनराइज सेक्टर है, आने वाले टाइम बेस की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। 8.3% से ग्रो कर रहा है। सो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आप देखोगे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इंटरेक्शन इट्स प्रमोट्स बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो कनेक्शन इंक्रीज होंगे इसके अंदर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चरिस्ट के लोगों के बीच में क्रॉप को लेके। उसके बाद हम देखेंगे ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेस। ओके, कमर्शियलाइजेशन हो सकता है क्रॉप्स का आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट एग्रो गुड्स कर फूड्स, इससे क्या होगा अगर आप किसी विलेज के अंदर आपकी या फिर विलेज के अंदर ही छोटी छोटी एमएसएमई खुल जाती हैं या फिर एग्रो